ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके थे वेरिएशंस ऑन ए कंडक्टिविटी ड्यू टू द डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन की वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उन पे क्या क्या इम्पैक्ट है वो हमारे होते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेवे हकल ऑन सागर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेरिएशन है डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हम कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करते जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट है वो दिखाई देता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। डीवे हकल सागर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन लिखी जिससे हम पता कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन करने से, दैट इज द इक्वेशन टेलसन। तो ये इक्वेशन हमारी क्या दी गई थी स्टूडेंट, इस इक्वेशन में बताया गया था कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसको इनफाइनाइट दिखा सकते हैं या फिर इसको जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, दैट इज द डीवे हकल ऑन सागर इक्वेशन। ये हमारी क्या है, डीवे हकल ऑन सागर इक्वेशन है कि अगर हम इस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, सो व्हाट विल बी मेक, अगर हम कंसेंट्रेशन रूट और किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारा एक नेगेटिव स्लोप आता है लाइक दैट, एक स्ट्रेट लाइन आती है जो इस प्रकार से हमारी प्लॉट की जा सकती है। बट इन केस ऑफ व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाता है, या इसको कंप्लीट लाइन से ही डिनोट करते हैं, सो दैट सीम्स लाइक दैट। यानी कि अगर इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट करते हैं साइड में, तो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ये ग्राफ हमारा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये केस में है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करें कि कंसेंट्रेशन को अगर हम रिड्यूस करते जाते हैं, यानी कि अगर इस ग्राफ को ऐसे समझते हैं, इस ग्राफ को हम ऐसे मूव ऑन करते जा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन कि अगर इस ग्राफ को हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन को जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, अगर हम इस ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं, यानी कि इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, तो हमारा यहां पर एक पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या कर सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं स्टूडेंट, जो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं कि अगर उनकी डाइल्यूशन करवाते जाते हैं, उनमें और पानी ऐड करते जाएं, और पानी ऐड करते जाएं कंटेनर में मान लो, तो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, और जितने आयंस में डिसोसिएट होंगे उनकी कंडक्टिविटी है उतनी बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर इनडिटरमिनेट वैल्यू हम मानते हैं, वहां पर हमारी क्या है, हमें मोलर कंडक्टिविटी है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम केस लेते हैं किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं स्टूडेंट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर इसको एक्स्ट्रा प्लोटेशन इसकी भी करना चाहते हैं, तो ये कभी भी ग्राफ यहाँ पे मिलेगा नहीं, इससे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम डीवे हकल ऑन सागर इक्वेशन, ये बात याद रखनी है।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप समझेंगे ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या हमारी कंसेंट्रेशन है और ये हमारी क्या है मोलर कंडक्टिविटी है, या मोलर कंडक्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सबके ब्रेन में आ रहा होगा, व्हाट इज ए, ए क्या है? एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में ए को सिंपली क्या बोला गया है, दैट इज कॉन्स्टेंट। उनमें क्या लिखा जाता है कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, बट उसको एलाबोरेट नहीं किया गया, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। तो हम कोशिश करते हैं कि ए को डिफाइन करने की। ए हमारा यहाँ पे ए के अंदर स्टूडेंट दो फैक्टर लाए करते हैं, ये कॉन्स्टेंट तो है बट ये इसकी वैल्यूज हैं वो आयंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती हैं, यानी कि ए की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन आयंस पे, यानी कि चार्ज ऑन आयन स्पेस की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है। अब एग्जैक्टली ये होता क्या है, हमारा जो ए है ये एक प्रकार से बेसिकली दो फैक्टर से मिलकर बनता है, ए पॉजिटिव और बी से। अब ए पॉजिटिव और बी क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो ए फैक्टर हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आयन आयनिक एटमोस्फियर, दैट इज आयनिक एटमोस्फियर। और बी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, बी फैक्टर को भी याद रखना, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन आयन आयनिक एटमोस्फियर ये क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो इनको समझने के लिए एक छोटा सा अजम्पशन हम कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे हम इन दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। Let us consider student कि हमारा एक आयन है मान लो Na पॉजिटिव, ठीक है, ये आयनिक स्फीयर है। ओके, अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखते हैं, तो वहां पे ऐसा तो होगा नहीं कि अकेला हमारा क्या हो Na पॉजिटिव हो। अगर हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम केस ले लेते हैं, इस केस को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, NaCl को डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन वॉटर, इसको किसके अंदर है डिजोल्व इन वॉटर, कि वॉटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। ये केस याद रखना, उसकी पार्टिकल को हम समझ रहे हैं। तो एक पार्टिकल बनेगा हमारा एन ए पॉजिटिव। अब इस पार्टिकल के चारों तरफ हमारे सराउंड क्या करेंगे, सी एल नेगेटिव के आयंस, सी एल नेगेटिव के आयंस होंगे एक प्रकार से, इसको सराउंड करेंगे तो एक प्रकार से, ठीक है, यानी कि सी एल नेगेटिव के आयंस, Cl नेगेटिव के आयंस और Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये एक प्रकार से इसके चारों तरफ सराउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी को पता है कि एक कैटायन है वो सराउंडेड होता है एनायंस के द्वारा, यानी कैटायन के चारों तरफ क्या हुए हैं एनायन, और साथ में यहां पर एक फैक्टर और लाइक करेगा स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे वॉटर, यानी वॉटर में डिजोल्व किए गए हैं, तो वॉटर के मोलिक्यूल यानी H2O के मोलिक्यूल भी, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे वॉटर मोलिक्यूल भी यहां पर बीच में आएंगे, ठीक है, H2O के नेगेटिव पार्ट भी यहां पे बीच में आएगा, H2O का नेगेटिव पार्ट भी हमारा क्या जाएगा बीच में आ जाएगा, H2O का नेगेटिव पार्ट भी हमारा बीच में आ जाएगा, H2O का नेगेटिव पार्ट भी हमारा बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एक आयन है, एक कैटायन है, वो सराउंडेड होता है उसके अपोजिट चार्ज से भी, यानी अपोजिट आयन से भी, और जिस सॉल्यूशन के अंदर यानी जिस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया गया उस सॉल्वेंट के भी अगर अपोजिट चार्ज हैं वो भी उसको गैदर कर लेते हैं, यानी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जब इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अगर मान लो टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, तो अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट लगा देते हैं इस साइड में और एक इलेक्ट्रोलाइट हम लगा देते हैं इस साइड में, अब इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड हमने यहां लगाया, एक इलेक्ट्रोड हमने साइड में लगाया, इसको एक कंटेनर में डाल रखा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, जैसे ही इस पे करंट अप्लाई करते हैं और इस पॉइंट पे करंट अप्लाई करते हैं, व्हाट विल हैपन, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, मान लो एनोड हो गया, ठीक है, और ये हमारी नेगेटिव प्लेट हो जाती है, तो ये हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है कोई इलेक्ट्रोड।
सो व्हाट विल हैपन, ये चार्ज है ये अब जो सराउंडेड है और अनसराउंड जो सेंटर में है, ये चार्ज अपनी अपनी जो डायरेक्शन है अपोजिट पोल्स की तरफ है वो मूव करना शुरू करेगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा नेगेटिव की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा, और ये बाकी का जो क्लाउड है ये सारा क्लाउड हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, आयनिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो पहली जो टर्म है आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, इट इज द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस्ड अराउंड ए आयंस, एक आयंस के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बन जाता है ड्यू टू अपोजिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर, यानी कि इस आयन के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बनाया इन नेगेटिव चार्ज ने, अपोजिट चार्ज बोल सकते हैं, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाते सारे, तो जो एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ बनाया गया उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक एटमॉस्फेयर, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, दैट इज आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये तो आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया। अब क्या होगा, एक ड्रैगिंग का माहौल होगा, ड्रैगिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये सारे के सारे इसको ग्रुप टुगेदर ही, यानी कि इसको गैदर कर रखा है इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये क्या करेंगे, जब ये सारे चार्ज इस साइड में जा रहे हैं और ये बीच में अकेला पॉजिटिव है, तो ये क्या कोशिश करेंगे, इसको भी ड्रैग करेंगे, यानी ड्रैग करने का मतलब घसीटेंगे, यानी कि ये चारों तरफ से गिरा हुआ है और अगर सारे उस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये छोड़ तो रहे नहीं है बीच में से कोई गैप, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ ड्रैग कर लेते हैं, अपनी तरफ ये ड्रैगिंग करते हैं, यानी इसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींचना शुरू कर देते हैं, इसी ड्रैगिंग को, इसी खिंचाव को पॉजिटिव चार्ज ये जाना नहीं चाहता है नेगेटिव पोल की तरफ, ये यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव पोल की तरफ ये जाना नहीं चाहता, बट फिर भी जो नेगेटिव चार्ज का एटमोस्फेयर है इसको ड्रैग करके किसकी तरफ ले जा रहा है, पॉजिटिव पोल की तरफ थोड़ा सा मूव करवा रहा है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, बात समझ गए, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक का इफेक्ट क्या है, ड्रैगिंग ऑफ आयंस इन द सेम चार्ज साइड, यानी सेम चार्ज साइड की तरफ ड्रैगिंग ऑफ चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और ये किसकी वजह से होता है, आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से। तो अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है स्टूडेंट, जो डिबे हकलानस्टागर इक्वेशन है उसके अंदर मैंने बताया था कि ए इज ए प्लस बी कॉम्बिनेशन, यानी ए ए पॉजिटिव और ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है, यानी आयनिक एटमॉस्फेयर और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दोनों की वैल्यू को कंबाइन करके हम इसको ए कॉन्स्टेंट के अंदर रखते हैं। अगर अब यहां पे एक चीज समझनी है स्टूडेंट, मैंने यहां पे ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, किसके, चार्ज के, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, ड्रैगिंग ज्यादा करेंगे, और अगर ड्रैगिंग ज्यादा करेंगे तो कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी एकदम से ये नीचे आएगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे इसको ड्रैग ज्यादा कर पाएंगे, आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा बढ़ा पाएंगे, ठीक है, जितना आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा बढ़ेगा ड्रैगिंग भी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके केस में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात कर रहे हैं कि हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है वो क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी को डिक्रीज करवा देता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज द कांस्टेंट, ये जो एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं डिबे हकलॉन सागर इक्वेशन के अंदर उसका इंपैक्ट है, ये सारा इंपैक्ट है हमारे डिबे हकलॉन सागर इक्वेशन में। ओके, अब क्या हुआ, डिबे हकलॉन सागर इक्वेशन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये बहुत अच्छे से एप्लीकेबल थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो ये बहुत अच्छे से काम कर पाते थी, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कंडक्टिविटी पता ही नहीं चलती थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कंडक्टिविटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो इस केस को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, एक सेकेंड एक अनदर ला दिया गया जिसको हम स्टडी करते हैं। और उस लॉ के बारे में स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम्स में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उससे इजीएस्ट कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होने वाला है, वो सिंपली आपका प्लस माइनस का क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस अगर आप जानते हैं तो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो लॉ को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कोलराउस लॉ, ठीक है, उस लॉ का नाम क्या हमारा, कोलराउस लॉ उसको बोलते हैं।
ला, कोलराउस ला, कोलराउस ला को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोलराउस ला हमारा क्या करता है। कोलराउस ला और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट स्टेट दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डज नॉट अफेक्ट देयर म्यूचुअल आयंस। यानी कि क्या करते हैं, जो कोलराउस ला है वो हमारा क्या स्टेट करता है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करते हैं, डज नॉट अफेक्ट देयर म्यूचुअल आयंस, वो अपने आयंस को, म्यूचुअल आयंस का मतलब क्या है, अगर कैटायंस की बात करते हैं, कैटायंस और हमारे कैटायन और एनायन है ना, वो एक दूसरे को अफेक्ट करना बंद कर देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है और आयनिक एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यानी कि उनमें कैटायन ना तो एनायन को पुल करेगा ना एनायन कैटायन को पुल करेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इफेक्ट देयर म्यूचुअल आयंस, ईच आयन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये समझने की कोशिश करना है कि वो ईच आयंस है ना वो क्या करना शुरू कर देगा, अपनी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यानी कि पूरी कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देगा। वो आपस में, आपस की बहस को छोड़ देंगे, आपस में कैटायन एनायन की पुलिंग है उसको बंद कर देंगे, हर एक इंडिविजुअल आयंस है वो अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देगा किसकी तरफ, मोलर कंडक्टिविटी की तरफ या कंडक्टेंस की तरफ, वो कंट्रीब्यूशन है अपना देना शुरू कर देता है। दैट इज द कोलार्स ला। ये बिल्कुल हमारा इजी है, कोलराउस ला है, इसको बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बी हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, दैट गेट्स डिसोसिएट इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ये हमारा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया। अगर हम क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन को जीरो कर देते हैं, एट कंसेंट्रेशन है जीरो, अगर कंसेंट्रेशन को जीरो कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट डिसोसिएट इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एक प्रकार से हमारी ये हो जाएगी। और अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी और यू कैन से द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग कंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम क्या मानेंगे, एक प्रकार से कैटायन का कितना कंट्रीब्यूशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी में, और एनायन का कितना कंट्रीब्यूशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोलार्स ला। दैट इज सो सिंपल, दैट इज द कोलार्स ला, कोलराउस ला ये हमारा बताता है, ये हमारी क्या होगी, दैट इज लिमिटिंग कंडक्टेंस। हमारा कोलार्स ला हमें क्या स्टेट कर रहा है, कोलार्स ला हमें ये बताता है स्टूडेंट कि जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कैटायन का और एनायन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा कैटायन का और एनायन का, वो उनका टोटल सम यानी कि इन दोनों का सम, कैटायन का और एनायन के सम को ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी एक प्रकार से क्या हो जाती है, सम ऑफ इसमें अगर आप लिखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस is the sum of contribution of
कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही हमारी क्या हो जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो जाती है बाय द कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ से ये हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलराउस लॉ है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसके बेसिस पे टेबल भी बनते हैं स्टूडेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं वेरिएबल जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन है उससे पूछे जाते हैं। आई विल कंसिडर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ट्राई टू मेक द नोट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।